भूगल बॉलीवुड देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बॉलीवुड के दबंग खान यानी चुलबुल पांडे की अगर हम बात करें तो उनकी आने वाली फिल्मों का सबको इंतजार रहता है, जैसे कि सलमान खान की दबंग 3 आने वाली है। इसके बाद उनकी किक 2 को लेकर भी बज ऑडियंस में बना हुआ है। किक 2 की बात करें तो किक 2 को लेकर एक रिसेंट अपडेट हमारे सामने आई है। वेल, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि किक 2 में सलमान खान के अपोजिट एक नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। जैसा कि 2014 में किक में जैकलिन फर्नांडिस नजर आई थी सलमान खान के अपोजिट, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस बार वो लोग किसी नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। लेकिन फिल्म में फाइनल हो चुकी है सलमान खान की हीरोइन। किक 2 में एक बार फिर से जैकलिन फर्नांडिस नजर आने वाली हैं सलमान खान के अपोजिट काम करती हुई। वहीं इस फिल्म की बात करें तो ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि ये फिल्म ईद 2019 पर रिलीज होगी, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने ये कंफर्म कर दिया था कि ईद 2020 पर ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। साजिद नाडियाडवाला और जो राइटर हैं रजत अरोड़ा इस फिल्म की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले में बदलने का काम कर रहे हैं, जो कि इस साल के एंड तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद वो इस फिल्म के डायलॉग लिखेंगे, जिसके बाद ये फिल्म ऑन फ्लोर आ जाएगी और इस फिल्म की शूटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। इस फिल्म को इंडिया और अब्रॉड शूट किया जाएगा, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं ईद 2021 पर तो सलमान खान की किक 2 आ ही जाएगी। और किक 2 में हमें किक 1 की तरह नजर आएंगी जैकलिन फर्नांडिस सलमान खान के अपोजिट।